और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर की पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में सर्व करते हैं। आईएएस को पहले आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन हुआ था 1858 में, यानी 162 साल पहले, जब इंग्लैंड इंडिया पे रूल करता था। फिर 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लागू करने के साथ ही इसका नाम बदलकर आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोज में कई बार बात कर चुके हैं, जिसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव लॉज बनाने वाले, यानी MPs, MLAs एटसेट्रा। जुडिशरी लॉज चेक करने वाले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस एटसेट्रा। एग्जीक्यूटिव उन लॉज को ग्राउंड लेवल पे लागू करने वाले, यानी मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स का काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, यानी नीतियों को देश में लागू करना। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी जैसे उजाला या डिजिटल इंडिया, या मान लो रोड सेफ्टी के लिए एक नया कानून आया, इनको इम्प्लीमेंट करना है। अब मिनिस्टर्स का काम होता है सिर्फ सुपरविजन का। ये इम्प्लीमेंट करने का काम हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाता है आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा। वो प्लान और स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि इन पॉलिसीज को उनके अंडर डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो बेसिकली जिस एमपी और एमएलए को हम 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट करते हैं, जो टेम्परेरली कुछ टाइम के लिए मिनिस्टर्स बनते हैं, वो ऑर्डर्स देते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के आईएएस ऑफिसर्स को, जो कि एक परमानेंट अधिकारी होता है। इसलिए आईएएस ऑफिसर्स को सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है। एक आईएएस की पावर्स का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को कहकर आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफर करवा सकते हैं, लेकिन उसको डिसमिस नहीं करा सकते। उसकी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं। आईएएस की पावर्स, पर्क्स और ड्यूटीज के बारे में बात करने से पहले आइए हम बात करते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर बनने का प्रोसीजर क्या होता है। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्लियर करना होता है, जो कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसको इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग यूपीएससी, सीएससी का फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 180 ही आईएएस बन पाते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, एमसीक्यू टेस्ट, मेंस रिटन टेस्ट, देन इंटरव्यू। और हर स्टेज में कैंडिडेट्स को एलिमिनेट किया जाता है, और लास्ट तक पहुंचने वाले कैंडिडेट्स में से टॉप कैंडिडेट्स को ही आईएएस मिल पाती है। अब बात करते हैं कि आईएएस ऑफिसर का मेन काम क्या होता है। आईएएस ऑफिसर के बहुत सारे काम होते हैं, जो कि उनकी पोस्टिंग एंड डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि आईएएस मतलब है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कई सारे एग्जाम क्लियर करके आईएएस बने, लेकिन कलेक्टर कभी ना बने, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। जो भी आईएएस बनता है, उसे अपनी सर्विस पीरियड में कभी ना कभी कलेक्टर बनने का चांस जरूर मिलता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा आईएएस ऑफिसर को किसी डिपार्टमेंट का हेड, जैसे फाइनेंस, एग्रीकल्चर एटसेट्रा भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा पॉलिसी फॉर्मुलेशन का इंचार्ज भी बनाया जा सकता है, या फिर किसी पीएसयू का हेड भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा भी आईएएस ऑफिसर्स अलग अलग तरीके से कंट्री को सर्व कर सकते हैं। जैसे एक आईएएस ऑफिसर को मिशन के लिए विदेश भी भेजा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली कोई डिपार्टमेंट साइन किया जा सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। आईएएस ऑफिसर्स को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ डिप्यूट करने की प्रोविजंस भी बने हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की पोस्ट, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर के नाम से जानते हैं, ये मेंबर ऑफ सर्विस में सबसे सम्मानित और विशिष्ट पोस्ट है। एक आईएएस ऑफिसर को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर अगर किसी पोस्ट पे मिलती है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही है। इसलिए इस वीडियो में हम ज्यादातर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ही पावर्स की बात करेंगे। अब बात करते हैं आईएएस ऑफिसर की पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में। एक आईएएस ऑफिसर एज ए सिविल सर्वेंट, उसके काम के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जैसे आईएएस ऑफिसर का करियर आगे बढ़ता है, उस हिसाब से उनके फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज होती रहती हैं। करियर के बिगिनिंग में आईएएस ऑफिसर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को सब डिविजनल लेवल पे ज्वाइन करते हैं, और एज ए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट के काम के साथ साथ अपने एरिया के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आईएएस ऑफिसर्स का काम होता है डिस्ट्रिक्ट अफेयर्स को संभालना। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या वाटर सप्लाई से रिलेटेड हो, या हॉस्पिटल, स्कूल्स एटसेट्रा जैसी जितनी भी सिटीजन्स का एक डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, उन सभी से रिलेटेड कोई इशू हो, उन सभी का समाधान करना और डेवलपमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना। आईएएस ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट के डेली अफेयर्स को संभालना, जैसे मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके पॉलिसीज को फ्रेम और इम्प्लीमेंट करना,
उन इंप्लीमेंट की गई पॉलिसीज को सुपरवाइज करना और जहां पे उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है उन प्लेसेस पे टाइम टू टाइम विजिट करके चेकिंग करना कि काम सही हो रहा है या नहीं। जो पब्लिक फंड का पैसा है वो सही तरीके से पॉलिसीज के हिसाब से बांटा जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक आईएएस ऑफिसर की होती है। आईएएस ऑफिसर की पावर से रिलेटेड लॉज के बारे में बात करते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के इन सेक्शंस के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पावर्स दी जाती हैं। टेनेंसी लॉज के अकॉर्डिंग एक कलेक्टर को रिवेन्यू से रिलेटेड पावर्स मिलती हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग चीफ सेक्रेटरीज एंड मजिस्ट्रेट को डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस को चलाने की पावर्स दी जाती हैं। केरला में जैसे अभी फ्लड आया था तो वहां राहत का काम सब आईएएस ऑफिसर्स की निगरानी में हो रहा था। आर्म्स एक्ट, ड्रग लाइसेंस एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अनुसार आईएएस ऑफिसर्स को अलग अलग सिचुएशंस में इनके खिलाफ एक्शंस लेने की पावर होती है। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर कभी भी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आने वाले हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हेड को बुलाकर जवाब मांग सकते हैं कि क्या कैसे चल रहा है और उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर सकते हैं, और अगर उन्हें लगे कि काम सही से नहीं हो रहा है तो उस पर एक्शन भी ले सकते हैं। आईएएस ऑफिसर इतने पावरफुल होते हैं कि अपने एरिया में चल रहे किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम को आसानी से रुकवा सकते हैं, इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह उनसे पंगा नहीं लेना चाहता। ये तो मेन लॉज हैं जो कि आईएएस की पावर्स में आते हैं। इसके अलावा करीब 300 अलग कानून हैं जो केस टू केस इनकी पावर्स को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं आईएएस ऑफिसर की सैलरी एंड बेनिफिट्स के बारे में। सेवन पे कमीशन के इंप्लीमेंटेशन के बाद सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में ठीक ठाक पैकेज मिलता है। आईएएस ऑफिसर की स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है अराउंड 50 to 55,000 पर मंथ, TA, DA, HRA एक्स्ट्रा।